तो हो चुकी है लोडिंग कंटिन्यू, तो थोड़े ही समय में हो जाएगी लोड। बस बढ़िया। बाकी उस टाइम ही मुझे ये गाड़ी चलानी पड़ी भाई, बिल्कुल सिंगल रोड पे, देख रहे हो। चैनल भी सब्सक्राइब कर दे, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनको तो सब जानते हैं। ये तो फेमस है अपना भाई, ये तो डन। तो अभी अंदर जो डब्बे में गर्मी। हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल दीबू खान। होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे एंड बहुत ही बढ़िया से होंगे। तो लास्ट व्लॉग में जैसा कि आपने देखा था कि यहीं पे खड़े थे नौगाम श्रीनगर, तो अभी भी यहीं पे। तो अभी कॉल आई कि ऐसे लासीपुरा पुलवामा आ जाओ, तो सुबह के 7 बज रहे हैं, तो सोचा चलते हैं जल्दी से पुलवामा। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले जल्दी से कर दें चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक लाइक से बंदे को मोटिवेशन मिलती है। तो चलो आपका भी ज़्यादा समय ना लेते हुए करते हैं आज का व्लॉग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाड़ी रख देते हैं 5-10 मिनट कोल्ड स्टार्ट पे। बिस्मिल्लाह, अरे बाप रे भाई, सर्दी ना बहुत ही खतरनाक वाली है। और ये गाड़ी फिलहाल यहीं रहेगी, जब सुमित भाई आएंगे तो आके ले जाएंगे। मैं और तनवीर भाई निकलते हैं, बाकी सुबह का व्यू कुछ इस प्रकार का। टायर वगैरह चेक करते हैं, उसके बाद निकलते हैं एक ही बार पुलवामा लासीपुरा के लिए। तो निकल गए यहाँ से, फिलहाल तो छतरगाम पहुँचने वाले हैं। तो यही रोड है जो ये मुगल रोड है, जिसको पीर पीर की गली वाला रोड यही है, जो पुनिस की तरफ जाता है, रजौरी पुनिस, जैसा कि जम्मू भी जा सकते हैं यहाँ से। शायद फिलहाल अभी ये रोड खुला नहीं है, ये पूरा कंफर्म नहीं है, बट फर्स्ट टाइम 6 चक का भारत विंस का चलाया। ये थोड़ा अजीब होता है क्योंकि ये गाड़ी जो है ऊपर से थोड़ी अंदर को होती है छोटी सी, एंड बाहर से काफ़ी ज़्यादा चौड़ी होती है। तो इसका जो चलाने का आइडिया भाई, मतलब ज़्यादातर इसका साइड वगैरह चेक करने का, ये वाले साइड शीशे हैं ना जो, तो जितने बाहर ही हैं इतनी बाहर गाड़ी रहती है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट टाइम मैंने चलाई और फर्स्ट टाइम ही मुझे ये गाड़ी चलानी पड़ी भाई, बिल्कुल सिंगल रोड पर, देख रहे हो पूरी सिंगल रोड है। तो इस पर थोड़ा बहुत मतलब कोई नहीं, शुक्र अल्लाह का, बस जैसी भी है अच्छी चल रही है। सो मॉर्निंग व्यूज आप देखें क्या ही मस्त वाले हैं। तो ज़्यादा ना इस रोड पे भाई डंपर मिलेंगे आपको, क्योंकि इस रोड पे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के काम चलते हैं। तो सरसों के खेत भाई, वाह वाह, बहुत ही मस्त लग रहे हैं। तो अभी हमारा पुलवामा यहाँ से अराउंड 6-7 किलोमीटर है बचा हुआ है। सो पहुंचा है मैन पुलवामा, क्योंकि अभी नो एंट्री नहीं है। तो ये हो गया शहीद फारूक चौक, घंटा घर है इधर भी भाई पुलवामा का। तो बस सब मिला के 1 किलोमीटर बचा है और यहाँ से हमें राइट जाना है जहाँ की ओर ये डंपर गया, फिर देखते हैं लोडिंग का, लोड करके जब निकलेंगे फिर इस रास्ते निकलना है, बट अभी यहाँ से जाएंगे। और ये कोई कन्फर्म नहीं है अभी लोड कहाँ के लिए करना है। इंडस्ट्रियल एरिए में तो गाड़ियां आप देख सकते हैं खुद ही कितनी ज्यादा हैं भाई। तो लगाते हैं फिलहाल हम भी गाड़ी किसी जगह पार्क, उसके बाद देखते हैं। तो पहले तो जो जोर सारे जो गाड़ी के ओनर हैं उन्होंने जहां का बताया वहां ही लेके जाते हैं, तो फिर उसके बाद देखते हैं क्या प्रोग्राम रहता है। फिलहाल गाड़ी यहाँ पे पार्क, और ये रही इधर की पार्किंग, मिस यू ये वाले ट्रक। अब देखते हैं इन पे जाएंगे वापस या नहीं, फिलहाल तो यही ठीक है क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा जो सेफ है भाई, देखो हाथ पैर मतलब बचे रहते हैं, कपड़े वगैरह ठीक रहते हैं, कोई गंदे नहीं कुछ नहीं। सो गाइस, अब हो गया गाड़ी की सफाई का काम, क्योंकि अंदर से ना ये बहुत ही ज़्यादा गंदी थी। अब साबुन लगा के अच्छे से करेंगे साफ, बाद में मेटिंग वगैरह भी डालेंगे इसमें। तो पहले अंदर से साफ करते हैं, उसके बाद बाहर से करते हैं, फिर देखते हैं अपनी लोडिंग का भी, तब तक कुछ पता चल जाएगा। तो हो चुकी है सफाई वगैरह, अंदर से भी देख लो बिल्कुल क्लीन कर दिया, एंड बाहर से भी। तो पूरी गाड़ी नहीं धोई, शो धो ली है,
ज़्यादा गंदी थी भी नहीं बाहर से, तो फिर भी सोचा थोड़ा बहुत बैठे ही थे क्या करते। तनवीर भाई गए फिलहाल कटिंग के लिए, सो मैंने सोचा मैं तब तक कपड़ा वगैरह मार लूँ गाड़ी पे, तो अभी देखते हैं क्या रहेगा लोडिंग का भी। तो भाई फाइनली होगी गाड़ी अपनी पक्की लोडिंग के लिए, बट ये पता नहीं है कहाँ जाना है, तो जाते हैं पहले हम स्टोर में, तो लगाते हैं गाड़ी एक ही बार, मिलते हैं फिर वहीं पे आपको। बिस्मिल्लाह। ठीक है भाई, बाकी गाड़ियां खड़ी हैं बहुत सारी भाई, क्योंकि जो बाड़ा है ना तो बहुत कम है आज, तो आ चुके हैं सुपर फ्रेश कोल्ड स्टोर में, तो अभी गाड़ी फिलहाल यहीं रखते हैं क्योंकि फिलहाल लंच टाइम है, फिलहाल गाड़ी यहीं पे रखते हैं क्योंकि शायद लंच टाइम हो सकता है यहाँ पे। वैसे नहीं यार आगे जाएंगे, क्योंकि इधर कौन सा बैच है, गाड़ी कहाँ से भरेंगे। हो चुकी है लोडिंग कंटिन्यू, तो थोड़े ही समय में हो जाएगी लोड, तो लोडिंग है अपनी भाई दिल्ली के लिए, तो तनवीर भाई कर रहे हैं कमेंट, तो थोड़े ही समय में हो जाएगी, उसके बाद देखते हैं कान भाई इंशाल्लाह कल होगी, तो फिर यहाँ से निकल जाएंगे काजीगुंड के लिए फ्रेश एप्पल भाई। अल्हम्दुलिल्लाह लोडिंग अपनी हो चुकी है कंप्लीट, सो अब लगाएंगे गाड़ी दूसरी जगह पार्किंग जब तक अपनी बिल्टी वगैरह बनेगी। देखना भाई पीछे, ऐसे पीछे देखने की इतनी ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि अपना कैमरा भी यह लगा हुआ देख सकते हो आप। तो अब अपना जो मेन काम है भाई वो हो गया टेम्परेचर सेट करना, तो इसमें अपन को सेट करना है भाई -2, तो अभी आप देख सकते हैं -26 पे है, बट हमें -2 पे लानी है क्योंकि एप्पल है जो इसमें -2 चाहिए, और जो -25 है तो ये चिकन में चाहिए एंड आइसक्रीम वगैरह में चाहिए। -2 डन। तो अभी अंदर जो डब्बे में गर्मी है भाई, जहाँ पे माल भरा हुआ है वो भी 70 डिग्री, तो थोड़े ही समय में ये कम हो जाए। तो हो चुकी है लोडिंग भी कंप्लीट, बिल्टी वगैरह गेट पास वगैरह ले लिया, तो निकलते हैं अब, शाम के 6 बजने वाले, तो निकलते हैं अब जाएंगे काजीगुंड के लिए, देखते हैं कार्रवाई तो आज नहीं है कल ही होगी। बिस्मिल्लाह। पानी वगैरह भर लिया है? जैसा ही निकला तो आगे अपने इशफाक भाई मिल गए, साहिल भाई भी मुझे लग रहा है साहिल भाई की गाड़ी है, तो ये इशफाक भाई की गाड़ी, तो मिलते हैं पहले इशफाक भाई से। सब व्लागर ही व्लागर देखने को मिल रहे हैं, सब इधर भी कैमरामैन, इधर भी कैमरामैन, सब कैमरामैन। सलाम अलैकुम भाई। और भाई ठीक अच्छे से? हाँ लोडिंग हो चुकी है का, दिल्ली का, दिल्ली का यार। और बाकी अच्छे से? सलाम अलैकुम। वालेकुम अच्छे से? और मेरी जान बस बढ़िया, बाकी बस दुआ यार। चैनल मैं, मुझे पता नहीं आपके चैनल का नाम। दावीर। अरे वीर भाई, वीर भाई, वीर भाई, वीर भाई, वीर भाई, अभी पता। साहिल, साहिल भाई वो है ना, साहिल भाई की गाड़ी पीछे, अलबत्त साहिल भाई इधर नहीं है, उससे मिलना किस्मत में नहीं है। चलो इंशाल्लाह मिलेंगे फिर, बाकी बढ़िया, बस दुआ। लोड वोड नहीं किया? लोड नहीं किया, लोड कल करेंगे। चलो वेट करेंगे उधर, तो काफी समय से बैठे थे भाइयों के पास, तो अब मैं फिलहाल जाता हूँ, तो भाई कल करेंगे इंशाल्लाह लोड। चलो उधर यार मुलाकात होगी, काम करेंगे, काफी मजा आया। तो इन भाई का चैनल भी सब्सक्राइब कर दें। दावीर दे
नवीर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इनको तो सब जानते हैं। ये तो फेमस है अपना भाई, ये तो वायरल है। अगर इसको नहीं जानते तो इस वाली चीज को तो जानते होंगे। तो चलो निकलते हैं फिर भाई। हाँ चलो यार, अल्लाह हाफिज। वीर जी, वीर जी, अगर अगर मेरा अगर मेरा मानोगे इफ्तारी करो हमारे पास, खाना खा के निकलो यार। चलो यार, पहुंचा है संगम हाईवे पे, छोटी रोड पे। थोड़ा मुश्किल ही होता है क्योंकि शाम का टाइम था, थोड़ा ट्रैफिक भी ज़्यादा था, प्लस साइड शीशे ना जो पता नहीं इनमें क्या इशू है, दिख ही नहीं रहा है कुछ। तो आगे स्प्रे वगैरह लेंगे तो पहुंचते हैं आगे कानवाई में, फिर गाड़ी वगैरह वहीं करते हैं पार्क, रात को वहीं रुकेंगे, फिर इंशाल्लाह कल अपनी कानवाई छोड़ देंगे श्रीनगर टू जम्मू। तो गाइस पहुंच आए हम लौडारा नाके पे जो कि काजीगुंड में पड़ता है। तो फिलहाल कार्रवाई रोकी हुई है, बोल रहे हैं कि कल छोड़ेंगे 11-12 बजे। सो देखते हैं अगर बाद में ये लौडारा वाला नाका पार कर लें लेट 11-12 बजे तक, तब तक मैं भी वीडियो वगैरह एडिट कर लूँगा एंड खाना वगैरह बना लेंगे। तो कल से अपना सफ़र आगे के लिए इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। तो लोडिंग है जो अपनी वो दिल्ली के लिए, वो आपको पता भी है, और भाड़ा है जो भाई अपना 50K, खुद ही समझ लो कितना है। तो दूसरी गाड़ियों को कितना रहता है उससे इसको थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि इसमें माल बिल्कुल फ्रेश अच्छा पहुँचता है। तो इंशाल्लाह अब रोज़ व्लॉग आएंगे, जब तक साथ हो आप एंड दुआएं आपकी। तो उम्मीद है आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, इंस्टा फेसबुक पेज को भी फॉलो कर दें। शुक्रिया, तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।